दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखबीर सिंह शोकंद है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडजेक्टिव का पार्ट 5। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे आर हाफ रिचर देन यू। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ, जैसे आप देख सकते हो यहां पे रिच एक एडजेक्टिव हो गया, किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर ER पार्ट लगा होगा तो मेरे माइंड में क्या बात आनी चाहिए कि वो कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। अगर वो कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके बाद क्या आएगा, देन आना चाहिए आपका। तो ये चीजें सही लग रही है। और अगर मैं देखूं कि किस किस के बीच में कंपैरिजन है, हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच में कंपैरिजन करती है, सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करती है। तो यहां पर देखिए, दे के बीच में और यू के बीच में कंपैरिजन है, तो यहां पर क्या मतलब हुआ, दो के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरेटिव डिग्री भी जो होती है रिच की रिचर होती है, उसके बाद देन भी आया है, तो सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन आप ये जो पाएंगे कि यहां पे हाफ का इस्तेमाल किया है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये सेंटेंस बेशक पढ़ने में सही लग रहा हो, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज जैसे कि हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स, अगर इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल की गई है तो फिर ये जो एडजेक्टिव होगा ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं रह सकता, इसको इस्तेमाल करना होगा पॉजिटिव डिग्री में, यानी इनके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी आ सकता है। अगर ऐसा है तो फिर हमें यहां से इसको हटाना पड़ेगा, और अगर यही नहीं रहेगा तो देन भी यहां से हट जाएगा, क्योंकि देन तो आया इसीलिए था क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री थी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एस रिच एस, दे आर हाफ एस रिच एस यू, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस कार इज ट्वाइस हैवियर देन दैट कार। हम देख सकते हैं कि दिस कार की कंपैरिजन दैट कार के साथ हुआ है, डिग्री कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है, इसके बाद देन भी आया है, लेकिन यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, ट्वाइस। जैसा मैंने कहा, अगर ट्वाइस, थ्राइस ऐसे कुछ भी गिवन है तो ये डिग्री कौन सी होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव डिग्री। और अगर पॉजिटिव डिग्री दिखानी है तो मुझे कैसे करना होगा, एस हैवी एस, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये सेंटेंस होगा, दिस कार इज ट्वाइस एस हैवियर एस दैट वन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके सेंटेंस में हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स इस तरीके से कुछ भी टर्म गिवन है, और उसके बाद आप पाएंगे कि ज्यादातर एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव नहीं, पॉजिटिव डिग्री को आपको इस्तेमाल करना है उसमें। नेक्स्ट देखिए, हम ये दो सेंटेंस डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट वन। तो आप देखिए कि यहां पे दिस बुक की कंपैरिजन किससे हुई है, दैट बुक से। वन जो है वहां पे बुक के लिए है, तो आप देख सकते हो यहां पे दो की कंपैरिजन है। अगर दो की कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री भी आई है, उसके बाद देन भी आया, सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो कंपैरेटिवली है, अगर ये सेंटेंस में आ जाता है तो फिर आप आगे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खुद ही कंपैरिजन करके आपको दे रहा है। ये जो टर्म है ये खुद ही कंपैरिजन शो करती है, और इंग्लिश में एक बात हमेशा फॉलो की जाती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो हम उसको नहीं रखेंगे। ये चीज जो है ये यूनिवर्सली फॉलो होती है। जैसे आप देखोगे सेंटेंस में दो नेगेटिव है तो एक को हटाना पड़ता है। आप अगर देखेंगे हिसिंग साउंड आता तो एपोस्ट्रोफी इसको अवॉइड किया जाता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन बना दिया जाता है। तो ये हर जगह पे लागू होता है ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पे जब यहां पे कंपैरिजन शो हो गया तो फिर यहां पे नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहां पर कंपैरेटिवली के साथ बेटर
यानी कि कंपैरेटिव डिग्री तो गलत हो जाएगी। अब देखना यह है कि कंपैरेटिवली खुद हटेगा कि बेटर देन हटेगा। तो देखिए, क्योंकि आगे देन गिवन है, इस वजह से मैं इस बेटर को नहीं हटा पाऊंगा, क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रहा है। वो एक कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है जो कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है वो, तो कंपैरेटिव डिग्री तो यहां पे रहेगी। अगर ऐसा है कि कंपैरेटिव डिग्री को यहां पे रखेंगे तो फिर कंपैरेटिवली को हटाना पड़ेगा, तो यहां से कंपैरेटिवली हट जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा, दिस बुक इज कंपैरेटिवली को हटा दिया यहां से, बेटर देन दैट वन, दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। अब देखिए, दिल्ली इज रिलेटिवली हॉटर देन शिमला, तो सेम यहां पे जो कंपैरेटिवली के लिए सिस्टम है वही सेम अप्लाई होता है आपका रिलेटिवली के लिए। अगर कंपैरेटिवली कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो सेम वे रिलेटिवली कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां से रिलेटिवली हट जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्टेड सर्टन बुक टू रीड, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई फील अ सर्टन प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। देखिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, यहां पर कुछ ऐसे डिटरमिनर होते हैं जैसे कि ए एन, हमें पता ये आर्टिकल्स हैं, ए सर्टन, दिस, दैट, इनको जब हम किसी डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डिटरमिनर वो होते हैं जो नाउन के लिए आते हैं, अगर हम इनको डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बात ध्यान रखिएगा कि इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। अगर इनके लिए सिंगुलर नाउन आएगा तो देखिए, इस सेंटेंस को पहले डिस्कस करते हैं, आई फील ए सर्टन प्रॉब्लम्स इन दिस टॉपिक। तो देखिए यहां पर क्या गिवन है मुझे, ए सर्टन, और ए सर्टन के साथ आगे क्या गिवन है, प्रॉब्लम्स। तो हमें पता है कि इसके बाद जब इसको डिटरमिनर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद ये नाउन हो गया। ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि यहां पे गिवन है ए सर्टन, तो सीधी सी बात है ये एस यहां से हटा दिया जाएगा, ये बनेगा आई फील ए सर्टन प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको गिवन है ओनली सर्टेन, ए सर्टेन नहीं है, ओनली सर्टेन है, तो फिर देखिए क्या होता है, वो प्लूरल बन जाता है, यानी उसके बाद जो नाउन आता है अगर वो काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा। देखिए, ही वांटेड सर्टेन, यहां पे ए सर्टेन गिवन नहीं है, सर्टेन है, तो सर्टेन है तो सीधी सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, बुक्स कर दीजिए, या तो इसको बुक्स कर दीजिए या फिर यहां पे ए लगा दीजिए, जिससे तब भी स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ओनली सर्टेन गिवन है तो आपको आगे आने वाला कॉमन नाउन प्लूरल होना चाहिए, और अगर आपको गिवन है ए सर्टेन तो वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। होगी ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है बाकी के जो डिटरमिनर वहां पे लिखे हुए हैं उन सभी के लिए। चलिए, ये दोनों भी हमने डिस्कस कर लिए, अब आगे देखते हैं, इंडियन आर्मी इज गेटिंग बेटर एंड द बेस्ट डे बाय डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर यू गो कोल्डर इट गेट्स। देखिए, इन दोनों को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। देखिए, एक ग्रेजुअल इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, इस ग्राफ की हेल्प से। मान लेती है 2000 है, ये 2005, 10, 15, यानी इस हिसाब से यहां पे क्या कर रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो ग्राफ है ऊपर, इसको तो मान लेते हैं टाइम का और इसको मान लेते हैं इनकम का। तो इनकम देखिए कैसे वैरी हो रही है, 5 लाख, 10 ले लेते हैं और यहां पे 15। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है
वैसे वैसे किसी पर्सन की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। 2005 में उसकी इनकम 5 लाख पर एनम थी, 2010 में उसकी इनकम 10 लाख पर एनम है, तो 2015 के अंदर उसकी इनकम 15 लाख पर एनम हो गई। तो आप देख सकते हो कि देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरे फैक्टर में भी इंक्रीज आता है अगर, तो हम उसको ग्रेजुअल इंक्रीज कहेंगे। आप इन दोनों सेंटेंसेस को सेम पाएंगे। देखिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा, इंडियन आर्मी इज गेटिंग बेटर एंड द बेस्ट डे बाय डे। तो डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ताकत जो है इंडियन आर्मी की वो इंक्रीज कर रही है। तो दिस इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, टाइम बढ़ रहा है ताकत बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज है तो उसमें सिर्फ एक ही डिग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। जी हाँ, उसमें ना तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते ना सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते, ओनली डिग्री जो इस्तेमाल हो सकती है एडजेक्टिव की वो है कंपैरेटिव। तो देखिए यहां पर सेंटेंस है इंडियन आर्मी इज गेटिंग बेटर एंड द बेस्ट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा बेटर एंड बेटर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री होंगे। ठीक है, बेटर एंड बेटर। इसके मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी एज बढ़ रही है और साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो लंबा हो, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो ही इज गेटिंग टोलर एंड टोलर, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, बिगर एंड बिगर। इस तरह की किसी भी चीज को हम दिखाना चाहें कि जो रिलेटिवली इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रहे हैं, तो उसको ऐसे एंड के थ्रू दो बार हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ग्रेजुअल इंक्रीज का, इसके ऊपर एक और पैटर्न से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को इकट्ठा ना लिख के, जैसे बेटर एंड बेटर, टोलर एंड टोलर, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ऐसे ना लिख के उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे हायर, तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे हो गया और कोल्डर दूसरा यहां पे हो गया। तो जब ऐसे लिखते हैं स्प्लिट करके, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्रियां तो कंपैरेटिव है, मैंने कहा ही था कि ग्रेजुअल इंक्रीज है तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इन दोनों के ही सामने आर्टिकल द आना चाहिए, यहां पे भी आर्टिकल द आएगा और यहां पर भी आर्टिकल द का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स। इसके मैं और एग्जांपल बताता हूं आपको, द मोर यू ट्राई द मोर यू लर्न। तो इसमें भी ग्रेजुअल इंक्रीज आप साफ देख सकते हो, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना कि यहां पर जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो डिग्री को इस तरीके से चेंज कर देते हैं, ये वाला पार्ट जनरली सुपरलेटिव में ले जाते हैं, और जब इनको अलग अलग करते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है कि या तो यहां से आर्टिकल को हटा देता है या यहां से आर्टिकल को हटा देता है। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी आर्टिकल को ना हटाया गया हो, यहां और यहां दोनों जगह पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करना जरूरी है। आगे देखिए, ये जो चार सेंटेंस है इनके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं और कब हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो सम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर, यानी पॉजिटिव अगर है। जो एनी है इसको हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर या फिर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, आई हैव डैश मनी, ये जो स्टेटमेंट है ये ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये एफर्मेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में से, सम। आई हैव सम मनी। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट हैव डैश मनी, तो यहां पर देखिए नेगेटिव हो गया, डोंट डू नॉट। अगर ये नेगेटिव है तो सीधी सी बात है यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एनी का, यहां सम का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, एनी। आई डोंट हैव एनी मनी। अब देखिए,
जो आई हैव डैश मनी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एनी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा एनी। नेक्स्ट देखिए, आई कैन सॉल्व डैश क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नो डाउट इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन क्या है कि यहां पर अगर मैं मान लो एनी रखता हूं ना, तो एनी का मतलब यहां पे ऑल है। अगर एनी को ऑल के सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें देखो सम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सम ऐसा डिटरमिनर है जो अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, काउंटेबल के साथ भी आता है, क्वेश्चन काउंटेबल है। लेकिन अगर इसके साथ आएगा काउंटेबल के साथ, तो यहां पे क्वेश्चंस होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर काउंटेबल के साथ आता है तो ये नंबर को बढ़ाएगा, और अनकाउंटेबल के साथ आता है तो क्वांटिटी को बढ़ाएगा। अब क्वांटिटी मनी तो मनी ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर यहां पे सम हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो मनी तो प्लूरल हो नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे अगर सम लगाएंगे तो यहां पे क्वेश्चंस होना चाहिए था, जो है नहीं, तो इस वजह से यहां पे सम लगा नहीं पाएंगे। जो एनी है यहां पे उसका मतलब ऑल है, ठीक है, यहां पे उसकी मीनिंग जो है हिडन मीनिंग वो क्या है, ऑल है। तो सीधी सी बात है यहां पे होगा आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, इसका मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, यानी मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जितना भी आज आपको बताया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका फायदा आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों।